सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं, भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। भारत के भविष्य के लिए एकता का मंत्र ये संकल्प भी है, भारत का सामर्थ्य भी है। और भारत को भव्यता प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है। मां भारती के लिए आजादी के जंग में अनेक लोगों ने देश के लिए मरने का रास्ता चुना था, लेकिन आजाद भारत में पल पल देश के लिए जीने का रास्ता ही देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भारत के भविष्य के लिए एकता का मंत्र ये संकल्प भी है, भारत का सामर्थ्य भी है। और भारत को भव्यता प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है। उस मार्ग को हमें जीना है। उस मार्ग पर आने वाली रुकावटों के सामने हमने जूझना है। और देश के लिए जी करके समृद्ध भारत को अपनी आंखों के सामने देखना है। इसी आंखों से भव्य भारत को देखना, इससे छोटा संकल्प हो ही नहीं सकता। इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 75 वर्ष की इस यात्रा आने वाले 25 वर्ष जो भारत का अमृतकाल है, जो आपका भी अमृतकाल है, जब देश 2047 में आजादी के 100 साल मनाएगा, एक डेवलप्ड कंट्री होगा, तो उस समय आप उस ऊंचाई पर बैठे होंगे। 25 साल के बाद आप किस ऊंचाई पर होंगे, कल्पना कीजिए दोस्त। और इसलिए एक पल भी खोना नहीं है, एक भी मौका खोना नहीं है। बस मां भारती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प लेकर के चलते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, नई नई सिद्धियों को प्राप्त करते ही जाना है, विजय श्री का संकल्प लेकर के चलना है। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।